क्रेडिट कार्ड्स आर डाइंग, यस यू हर्ड दैट राइट। अब आप सोच रहे होंगे यार हम तो क्रेडिट कार्ड्स की इतनी बातें करते हैं उसके बाद भी हम ही कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री बंद हो सकती है, बट सैडली कोई क्लिकबेट नहीं है, देयर इज अ वेरी मच पॉसिबिलिटी दैट दिस कैन हैपन। पिछले हफ्ते कुछ ऐसी बॉम्बास्टिक अनाउंसमेंट्स हुई हैं, ऐसी ऐसी अपडेट्स आई हैं जिससे क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री को खतरा है। इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस एंड एक्सप्लेन अबाउट दीज अनाउंसमेंट्स एंड व्हाई इट मे बी एन एंड फॉर क्रेडिट कार्ड्स एज वी नो इट। बट उसे समझने से पहले एक छोटी सी बैक स्टोरी। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ न्यूयॉर्क बेस्ड सक्सेसफुल बिजनेसमैन फ्रैंक मैकनेमेरा। 1949 में फ्रैंक अपनी वाइफ के साथ रेस्टोरेंट गए थे डिनर करने। जब उनका बिल आया तो फ्रैंक को रियलाइज हुआ कि अपना वॉलेट तो वो घर पे ही भूल गए, एंड ये सिचुएशन उनके लिए काफी एम्बैरेसिंग हो गई थी। कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रैंक ने उस दिन रेस्टोरेंट के सारे बर्तन धोए, कुछ लोग कहते हैं उनकी वाइफ ने बिल पे किया। बट द थिंग इज, द पॉइंट इज कि फ्रैंक ने सोच लिया कि ऐसी सिचुएशन में वो दोबारा कभी नहीं फंसेंगे। फ्रैंक ने उस दिन बहुत सोचा एंड उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा तरीका बनाएं, एक ऐसी रिप्लेसमेंट बनाएं कैश की जिससे आप बिल अपना आसानी से पे कर सको, मे बी अ कार्ड जिसे आप स्वाइप करो और आपकी बिल पेमेंट हो जाए। फ्रैंक ने ये आइडिया अपने बिजनेस पार्टनर से डिस्कस करा एंड वन ईयर लेटर दुनिया का फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ जिसका नाम था डाइनर्स क्लब कार्ड। जैसे ही उन्होंने मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक ही महीने में 20,000 लोगों ने इसके लिए साइन अप कर दिया, वो भी सिर्फ US में, विच वॉज अ ह्यूज नंबर। इसे देखते देखते बैंक्स ने भी अपने क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च करने शुरू कर दिए एंड इट वाज प्रेडिक्टेड कि क्रेडिट कार्ड्स कैश को बहुत जल्दी रिप्लेस कर देंगे। ये प्रेडिक्शन काफी सही थी, पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च हुए आज 70 साल हो गए हैं, बट कैश को रिप्लेस तो किया, क्रेडिट कार्ड्स एक लिमिटेड सेट ऑफ लोगों के लिए बन के रह गया। इन इंडिया इटसेल्फ सिर्फ 3.5-4% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन यूजेस क्रेडिट कार्ड्स। पर ऐसा क्यों? क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने में 5-6 स्टेप्स होते हैं। इसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है इन आर क्रेडिट कार्ड फॉर बिजनेस वाली वीडियो, जिसको आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। दिस प्रोसेस मे टेक 2-3 सेकंड्स, बट पहले ऐसा नहीं था क्योंकि सर्वर की स्पीड स्लो थी, सो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना वाज नॉट वेरी कन्वीनियंट। कभी किसी के पास POS मशीन नहीं थी, कभी कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। सो द पॉइंट इज दैट इट मे हैव गॉटन स्मूदर ओवर टाइम, बट इट इज नोवेयर एज स्मूथ एज पेइंग वाया कैश। प्लस क्रेडिट कार्ड के साथ एक और नेगेटिव अजम्पशन जुड़ गई थी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड लोगे ना तो आप कर्जे में डूब जाओगे। दिस इज अनदर फैक्टर लिमिटिंग क्रेडिट कार्ड्स अडॉप्शन। ऑल्सो कैश एज अ मोड ऑफ पेमेंट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर द गवर्नमेंट, प्लस इट लीड्स टू करप्शन। गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग अ लॉट टू गेट रिड ऑफ कैश एज द मेजर सोर्स ऑफ पेमेंट। 1950 से लेकर 2015 तक गवर्नमेंट ने बहुत सारे तरीके निकाले, ई वॉलेट्स, NEFT, RTGS, बट तब भी कैश वॉज द डोमिनेंट मोड ऑफ पेमेंट। But the entire game changed as we all know it by the launch of UPI. UPI launch hote hi demonetization aa gaya and people were forced to use UPI and they started realizing ki yaar UPI se payment karna is quite convenient. आपका सेटलमेंट टाइम भी ऑलमोस्ट जीरो है, प्लस कैश को संभालने का झंझट नहीं है, सो UPI वाज बेसिकली सॉल्विंग ऑल ऑफ दीज पर्पसेस। UPI के लॉन्च होते ही वो इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी उसको मिल गई कि लोगों ने कैश एंड डेबिट कार्ड यूज करना कम कर दिया। जैन 2023 में डेबिट कार्ड की कंजम्पशन वॉज 20% लेस देन मार्च 2022। बेसिकली UPI वॉज द परफेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कैश, जहां पर कैश जैसी कन्वीनियंस भी है एंड थैंक्स टू डीमोनेटाइजेशन लोगों में इसका एक्सेप्टेंस भी काफी ज्यादा हाई था। सो 5-6 साल में UPI 30 करोड़ लोगों तक पहुंच गया, जहां पे क्रेडिट कार्ड को 70 साल लग गए 7 करोड़ लोगों तक पहुंचने में, एटलीस्ट सिर्फ इंडिया में। 2023 की बिगनिंग तक UPI वॉज लिंक टू योर सेविंग्स अकाउंट, लेकिन मार्च में NPCI ने एक ऐसी अनाउंसमेंट करी कि अब आप क्रेडिट कार्ड को भी UPI से लिंक कर पाओगे। इसको हमने अपनी क्रेडिट कार्ड लिंकिंग UPI वाली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। द जिस्ट ऑफ द वीडियो वॉज कि अगर आप अपना QR कोड स्कैन करोगे तो उससे आप अपनी क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। इस अनाउंसमेंट के बाद आपको क्रेडिट कार्ड फिजिकली कैरी करने की जरूरत नहीं है, जिससे फिजिकल क्रेडिट कार्ड की इंपॉर्टेंस कम हो गई। उसी के नेक्स्ट वीक NPCI ने एक और अनाउंसमेंट करी दैट इन अ फ्यू मंथ्स क्रेडिट कार्ड की जो लाइन है वो UPI की लाइन से मिलनी शुरू हो जाएगी। दिस अनाउंसमेंट एज एक्सपर्ट्स से कुड बी द बिगनिंग ऑफ एंड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एज वी नो इट। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। देखिए, गोइंग फॉरवर्ड बैंक्स आपका UPI डेटा देखकर आपके लिए क्रेडिट लाइन सेट कर देंगे। अब आप QR कोड से स्कैन करोगे और पेमेंट करोगे तो आप उस क्रेडिट लाइन से ही कर पाओगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये वैसा ही नहीं हो गया जैसे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, माइनस दी फिजिकल कार्ड। अब ये तो समझ आ गया कि कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए ये वाला मेथड ईजी है, बट वॉट अबाउट मर्चेंट्स, वुड दे ऑल्सो प्रेफर इट? जब मर्चेंट्स क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करते थे तो उनको कोई फीस या MDR देना पड़ता था, विच विल बी मच लोअर ऑन UPI। प्लस एक क्रेडिट लाइन वाले सेटअप में उनको कोई नया सेटअप भी अरेंज नहीं करना पड़ेगा, QR कोड वाले सेटअप से उनकी पेमेंट हो जाएगी। सो बेसिकली मर्चेंट्स की लाइफ में कुछ फर्क नहीं आएगा, इनफैक्ट उनके लिए कॉस्ट थोड़ी और कम हो जाएगी। बट व्हाट अबाउट बैंक्स? बैंक्स के लिए भी क्रेडिट लाइन वाला सेटअप ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड देने में उनकी मेहनत लगती थी।
अब ये क्रेडिट लाइन वाला सेटअप करने में उनको कुछ मिनट ही लगेंगे, प्लस फिजिकल कार्ड की प्रिंटिंग का खर्चा कम हो जाएगा, नए नए कस्टमर्स ढूंढने की परेशानी भी। सो क्रेडिट लाइन सेटअप ऑन UPI जो है वो इजियर है फॉर कस्टमर्स, मर्चेंट्स एंड बैंक्स। डज दैट मीन दैट क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री विल बी वाइप्ड ऑफ इन 4-5 years? इसका आंसर दो चीजों पे डिपेंड करता है। एवरेज टिकट साइज ऑन क्रेडिट कार्ड राइट नाउ इज 5,000 एंड ऑफ UPI इज 800। सो बेसिकली क्रेडिट कार्ड्स को लोग प्राइमरली बड़ी परचेजेस के लिए यूज कर रहे हैं। अब जब ये क्रेडिट लाइन सेटअप हो जाएगी ऑन UPI, सो हमें देखना ये है कि क्या एवरेज टिकट साइज ऑफ UPI विल गो एज हाई एज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। सेकंड, जैसे कि हमें पता है कि क्रेडिट कार्ड में आपको अच्छी खासी लिमिट मिल जाती है, आपकी सैलरी का 3-4 times आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाती है, बट वी आर श्योर कि बैंक्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट आपकी जो क्रेडिट लाइन की पेमेंट है शुरू में आपको सिर्फ 10-20 हज़ार की ही मिलेगी। सो वील हैव टू वेट एंड सी अगेन कि क्या 3-4 साल में क्रेडिट लाइन की जो लिमिट है वो आपकी एनुअल सैलरी से 3-4 गुना आपको दे पाएंगे या नहीं। इफ द आंसर टू बोथ द क्वेश्चंस इज यस, देन देयर आर हाई चांसेस कि क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री विल गो डाउन टू ड्रेन एंड विल बी रिप्लेस्ड बाय अ फास्टर एंड कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट व्हिच इज क्रेडिट लाइन ऑन UPI। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप इस सेटअप के बारे में क्या सोचते हैं। टिल देन, बी किफायती।